Hello and good morning everyone. My name is Mughal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 8 में, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। यह है आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस कौन से वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हाई वेलोसिटी की बीम, हाई वेलोसिटी ऑफ बीम के इलेक्ट्रॉन्स, उसको अगर आप किसी भी चीज के ऊपर स्ट्राइक करते हो, ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किसी चीज को टकराएंगे तो वहां पे क्या होगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी जा रही है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होगी भैया? तो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी से बहुत तेजी से यहां पे आ रही है, तो यहां पे ये टच करेगी तो यहां पे क्या होगा? एक हीट जनरेट होगी। और इस हीट का यूज करके यहां पे टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी, और इस हीट का यूज करके जो अपना मटेरियल है, जो आपका वर्कपीस है, वो क्या होगा? वेपराइज होना शुरू करेगा, जिसके वजह से वहां से मेटल जो है, मटेरियल जो है, वो क्या होगा? रिमूव होगा। यही वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, EBM, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्राइक्स टू द वर्कपीस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दिस रेज द हीट, रेज द टेम्परेचर, एंड दैट वेपराइज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। तो भैया कितनी अपने को वेलोसिटी लगेगी? तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, ये होती है हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कितना होता है? 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस है, ये किसके लिए यूज करते हैं अपन? माइक्रो कटिंग ऑफ मटेरियल्स, एकदम माइक्रो, एकदम छोटे छोटे अगर आपको कटिंग करनी रहेगी तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस यूज करते हो, ठीक है। हार्ड मटेरियल रहा या ब्रिटल मटेरियल रहा तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। तो ये रहा डायग्राम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस का, EBM प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें होता है कैथोड ग्रिड, ठीक है। कैथोड ग्रिड यानी जहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो वहां से आएगा। उसके बाद होता है यहां पर एनोड, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या रहेगा? एनोड रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस होती है, इसमें आपको वोल्टेज जो है 50 से 200 किलो वोल्ट का देना पड़ता है। कितना? 50 से 200 किलो वोल्ट का वोल्टेज देना पड़ता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होंगी उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन बीम वहां पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। यहां पर सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कैथोड ग्रिड। कैथोड ग्रिड किस चीज का बना रहेगा? टंगस्टन का। इस टंगस्टन को हम लोग कितना हीट कर सकते हैं? 2500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकते हैं। कितना हीट करेंगे? 2500 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट कर सकते हैं। दूसरा यहां पे होता है एनोड। एनोड का काम की एनोड के लिए लगाते हैं हम लोग, यहां पे एनोड इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, ये डिफ्लेक्ट ना हो, ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहे। तो आपका एनोड का ग्रिड क्या है? एनोड का सिंबल क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या है? आपका नेगेटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से क्या होगा? ये जो बीम्स है ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, एक जगह पे क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, और एक सीधी इलेक्ट्रॉन बीम अपने को यहां पे मिलेंगी, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नेटिक लेंस। तो मैग्नेटिक लेंस किस लिए यूज करते हैं? डाइवर्जेंट, अगर बीम का डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे भाग रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन बीम,
तो उसको एक जगह पे पकड़ के रखने के लिए, उसको कन्वर्ज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, या तो आप कॉन्वेक्स यूज करो या तो कॉन्वेक्स यूज करो, ये आपके वर्किंग के ऊपर काम करेगा, लेकिन आपको आपके इलेक्ट्रॉन बीम को एक जगह पे कन्वर्ज करना है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिफ्लेक्शन कॉइल्स। डिफ्लेक्शन कॉइल्स नाम से समझ में आ रहा है आप किस लिए यूज करेंगे भैया, तो आपकी जो बीम है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग डिफ्लेक्शन कॉइल्स को यूज करेंगे। ठीक है, आपकी जो बीम है वो किस प्रकार से जा रही है उसको देखने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, ऑप्टिकल वीविंग सिस्टम, ऑप्टिकल वीविंग सिस्टम यूज करोगे। उसके बाद आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस को आप लोग कहां पर रखते हो, एक वर्क टेबल पर रखते हो। तो यहां पर देखो आपको छोटे 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 क्या दिख रहे, गोले दिख रहे, ये क्या है, आप इससे वर्कपीस को, आपके वर्क टेबल को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, तीनों भी डायरेक्शन में आप लोग आपके वर्कपीस को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर क्या हो रही है, सीधी आ रही है, तो आप इलेक्ट्रॉन बीम को बार बार डिफ्लेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वर्कपीस को मूव करना पड़ेगा। यहां पर क्या मूव होगा, वर्कपीस मूव होगा। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करेगा, तो वर्किंग देखते हैं हम लोग इसका कैसा होगा। तो हाई वेलोसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन पासेस टू द कैथोड रे, जब ये कैथोड रे से जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, एनोड के तरफ, एनोड क्या करेगा, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, एनोड क्या करेगा, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। उसके बाद जो मैग्नेटिक लेंस है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पे ऐसा छोटा सा कन्वर्ज कर देगा उसको। ठीक है, ताकि वो सीधी लाइन में बनी रहे। और डिफ्लेक्शन कॉइल क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन कॉइल उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाए, वो एकदम सीधी लाइन में जाना चाहिए, ऐसा वो रहेगा। अब आपका जो वर्क पीस है जो कि रखा है आपके वर्क टेबल पे, जैसे ही ये बीम उसके ऊपर पड़ेगी तो हम लोग उसको वर्क पीस को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे, जिसके वजह से क्या होगी, आपकी मशीनिंग प्रोसेस होगी, मतलब वहां से मेटल क्या होगा, रिमूव होगा। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये जो पूरा सेटअप होता है, ये पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, ये होता है वैक्यूम चेंबर में। कहां पे होता है, वैक्यूम चेंबर में। क्यों रखते हैं हम लोग इसको वैक्यूम चेंबर में, हम लोग इसको वैक्यूम चेंबर में इसलिए रखते हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहीं पे भी डिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि एयर का उसमें अगर कॉन्टेक्ट आ गया, सनलाइट का अगर कॉन्टेक्ट आ गया, तो उसके लिए क्या हो सकती है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर उसके अंदर में कुछ इंप्यूरिटी आ सकती है, इसीलिए इसको वैक्यूम चेंबर में रखा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए एक देख लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम से यहां पर क्या हो रही है, मशीनिंग हो रही है। ठीक है, अब यहां पर ये बहुत ही हाई लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है, ये कहां पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपके वैक्यूम चेंबर में। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, ये माइक्रो फिनिशिंग के लिए काम कर सकते हैं हम लोग इस पे, छोटे छोटे होल्स भी हम लोग बड़ी एक्यूरेसी के साथ इसमें बना सकते हैं, डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप के हम लोग होल्स आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी मैकेनिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है टूल और ऑफिस का, तो इसमें टूल का वियर होगा क्या, नहीं होगा। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, हार्डर मटेरियल तो बहुत ही अन्न आता है, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट इसमें काम होता है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, तो भैया इसका मेटल रिमूवल रेट बहुत स्लो है, सभी के लिए यही रहेगा लागू होगा, और कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वर्कपीसेस, मतलब बड़े बड़े जो वर्कपीस है उसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम चेंबर में इसको रखना पड़ेगा, और इतना बड़ा वर्कपीस हम लोग वैक्यूम चेंबर में रखेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। ठीक है, हाई स्किल ऑपरेटर चाहिए, हाई स्किल रहना चाहिए तभी तो कर पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी मगर उसके हाथ वाथ को लग गया, हो गया खेल खत्म। हाई एनर्जी, हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, मतलब एनर्जी कंजम्पशन का बहुत ज्यादा होता है। एप्लीकेशन देख लेते हम लोग फटाफट से, ये माइक्रो फिनिशिंग माइक्रो मशीनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, परफॉर्मिंग, फ्लोटिंग एंड स्क्राइबिंग, इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑफ होल्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, एयरक्राफ्ट इंजन, इसके लिए भी हम लोग ईवीएम प्रोसेस का यूज करते हैं। छोटे छोटे जो टैप
छोटे छोटे जो ब्रोकन टैब्स है उसके जो होल्स है उसको बनाने के लिए भी हम लोग, निकालने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशन कितना अप टू 0.002 mm के भी थीन और इस माइक्रो मशीनिंग हम लोग कर सकते हैं, वायर ड्रॉइंग कर सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है, नोजल के इंडक्टेंस बना सकते हैं। माइक्रो मशीनिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। ये एक पॉइंट इसको आप ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी भी बोलते हैं हम लोग इस प्रोसेस को। ठीक है, तो जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं, आईसीज होती है, ये सब जो चीजें हम लोग इससे बना पाते हैं। ठीक है, आई होप सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, यूनिट आउटकम क्या मिले, हम ईवीएम प्रोसेस के बारे में पढ़ पाए, उसकी वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके एप्लीकेशन सब हम लोग ने पढ़ लिया, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो कि अचीव हुए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, चलो बताओ वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ईवीएम प्रोसेस का, और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है ईवीएम प्रोसेस के। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।